के बंदा कार से सीधा बाइक पे आ गया, और बाइक से सीधा अगर साइकिल पे भी आएगा ना तो भी व्लॉग बनाएगा। कार अभी बिगड़ी हुई है तो व्लॉग नहीं बनाएगा। व्लॉग तो जरूर आएंगे हमारे। ओके, आएंगे ही आएंगे। मेरा मूड खराब हो चुका है, सर में इतना पेन हो रहा है ना, क्या बोलूं मैं आपको। अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए। फाइनली नजारा देख के ही मतलब हमारा तो एवे एवे हो गया। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो आज है 30 अगस्त 2024। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून। तो गाइज आज व्लॉग आफ्टरनून में स्टार्ट हो रहा है। सो फिलहाल अभी न्यू डे की शुरुआत करते हैं। ठीक, कैसा लग रहा हूँ मैं कमेंट करना। ओके, तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं चेतन सर के पास, और चेतन सर के पास चलते हैं और फिर कुछ प्लान करते हैं कि कहाँ पे जाना है। ओके, तो ये अपनी ब्लैक स्कूटी लेके निकलते हैं। ओके, सो लेट्स गो, स्टार्ट हो जा। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा दुआ करना मालिक। तो चलो चलते अभी फिलहाल। तो गाइस अभी फिलहाल हम निकल चुके हैं वन डे ट्रिप के लिए, वलसाड की ओर जा रहे हैं अभी हम। और मेरे साथ अभी है, तो फिलहाल अभी आज हम कैसा मजा रहा है ट्रिप के लिए। अच्छा मजा रहा है, क्या करें अभी सिचुएशन ऐसी है तो स्कूटी पे जाना पड़ेगा, बाइक पे जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन बाइक पे भी मजा आता है। हाँ, लेकिन ब्लॉग जरूर आएंगे हमारे। स्कूटी चलाता हूँ मैं अभी। तो चलो चलते हैं फिलहाल वलसाड़ की ओर, अभी हम जा रहे हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा। ये बंदा कार से सीधा बाइक पे आ गया, और बाइक से सीधा अगर साइकिल पे भी आएगा ना तो भी व्लॉग बनाएगा। पक्का व्लॉग बनाऊंगा मैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि व्लॉग मतलब कि कार अभी बिगड़ी हुई है तो व्लॉग नहीं बनाएगा। व्लॉग तो जरूर आएंगे हमारे। ओके, आएंगे ही आएंगे इसके। मेरा मतलब मेरा तो वीकली आना है, ट्रैवल व्लॉग है, इसलिए इस बंदे का डेली व्लॉग है, इसलिए डेली आएगा। तो वैसे ही ब्लॉग को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलो चलते हैं वलसाड़ की ओर और रास्ता कवर करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी वलसाड़ पहुंचने वाले हैं, और ये आप देखो गटर, गटर का क्या दिखा रहा हूँ यार। तो अभी चलते हैं, कहाँ पे जाएंगे गाइस, अभी कहाँ पे जाए देखते हैं अभी कहाँ पे जाएंगे वो। ओके, तो गाइस फिलहाल अभी हम आ चुके हैं तीर्थल साईं बाबा के टेंपल पे। ओके, क्योंकि रास्ते पे हमने इतना ज़्यादा सूट नहीं किया होगा, पता नहीं कितना सूट किया होगा, जो गर्मी लगी है हमें और जो मेरा मूड ख़राब हो चुका है धूल की वजह से, रास्ते की वजह से। मेरी हालत देखो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और सर में इतना पेन हो रहा है ना, क्या बोलूँ मैं आपको। चलो थोड़ा अभी फ्रेश होते हैं अभी साईं बाबा के टेंपल पे, और फिर हमें एक डेस्टिनेशन पे जाना है। हमें जो अभी जाना है डेस्टिनेशन पे, वो डेस्टिनेशन पे इवनिंग में जाएंगे, मतलब 4 बजे के बाद। तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो वो भी देखते हैं, चलो थोड़ा फ्रेश होते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे ही बैठेंगे, माइंड फ्रेश करेंगे। ओके, सर में पेन हो रहा है, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, और फिर जो अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है वो 4 बजे के बाद जाएंगे। ओके, तो देखते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी फ्रेश हो चुके हैं, बहुत ही सर में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों आज। ओके, सो भी बहुत ही गर्म लग रही है स्टाइल, मतलब जो ब्लॉक बिठाए है वो। ओके, तो आप आज का व्यू भी देखो, बहुत ही बढ़िया है ना। ये पीछे देख रहे हो साईं बाबा का टेंपल है। सो चलते हैं अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। हे साईं बाबा दुआ करना मालिक, हे नंदी महाराज, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की ज।
जय। तो गाइस फिलहाल अभी साईं बाबा के टेंपल के दर्शन हो चुके हैं, सो अभी फ्रेश भी हो चुके हैं। अभी हम थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है क्या? सो अभी वो तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम जितना लेजी फील करेंगे उतना कंटाल आएगा और आलस भी आएगा। वो आलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं हमें, हम जो गुजराती है इसकी वजह से। ओके, तो अभी चल रही है। काफी सारे ऐसा भी बोलते हैं काफी सारे लोग कि आप लोग गुजराती में व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, लेकिन हमें हिंदी पसंद है, मुझे हिंदी में आगे बढ़ना है। सो नहीं, कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ओके, फिर आगे परफेक्ट कोई नहीं होता है। कोई भी आप काम करते हो उसमें कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, सीखता ही रहता है। लाइफ में, लाइफ का लेसन ही वही है कि कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता है। ओके, एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ बोलो, बोलिए। एक बात बोलना चाहूँगा। बोलिए बोलिए। बच्चा अपनी माँ के पेट में से सीख के नहीं आता है, वो यहाँ पे रह के सीखता है। एक नंबर बात बोली सर ने। सो वो भी हम अभी सीख रहे हैं, तो आ जाएगा, आगे आगे एक्सपीरियंस होता रहेगा तो हम सीख जाएंगे। ओके, तो फिलहाल अभी अपनी डेस्टिनेशन में चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए और फ्रेश होने के लिए आए थे। ओके, तो फिलहाल अभी चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस अभी साईं बाबा के टेंपल से निकल रहे हैं, सो चलो। और अपना डेस्टिनेशन यहाँ से कितना किलोमीटर है? आई थिंक 20 होगा। कितना? 20 इतना नहीं होगा, 10-15 किलोमीटर इतना भी नहीं होगा। 15 किलोमीटर होगा, 10 मैं तेरे को ले जाता हूँ। ओके चलो। तो गाइस जो हम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, वो डेस्टिनेशन पे हम लास्ट टाइम भी गए थे, लेकिन वहाँ पे नहीं जा सके थे, क्लोज हो गया था। तो अभी हम आज जा रहे हैं। क्लोज नहीं था भाई, क्लोज रिनोवेशन करवा रहे थे। हाँ रिनोवेशन का ऐसा था क्या? हाँ ओके, याद आया। रिनोवेशन करवा रहे थे, तो वहाँ पे चलते हैं, वो एक्सप्लोर करना हमारा बाकी है, सो वहाँ पे जाते हैं आज। ओके, 10 किलोमीटर होगा शायद यार सर, पता नहीं लगता 10 किलोमीटर का। चलो देखते हैं, आपको दिखाते हैं कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। ओके, हम कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये आप देख सकते हो गाय माता। मैं जो बोल रहा था 10-15 किलोमीटर है, वो 10-15 किलोमीटर नहीं है, हमने गूगल कर लिया। ये सर मान नहीं रहे थे, लेकिन बात सही निकली, 6 किलोमीटर ही है। ओके, 6 नहीं 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 नहीं, वो तो हम साईं बाबा के टेम्पल से 1 किलोमीटर आ गए, उसका था 6 किलोमीटर था। ओके, लेकिन मैं रॉन्ग निकला, कोई बात नहीं। फिलहाल अभी स्वामीनारायण टेम्पल से हमें जाना है राइट साइड पे। ओके, सो आज का स्काई बहुत ही बढ़िया है, ब्लू पूरा है, ब्लू पूरे गांव में से जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे अभी लास्ट टाइम हम कार में आए थे। हाँ, लास्ट टाइम हम कार में आए थे। ये तो अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए। तो गाइस आज हम आए हैं वलसाड सिटी में लाइट हाउस एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो लाइट हाउस, ये छोटा सा ही लाइट हाउस है, मस्ती कर रहा था अभी। ये लाइट हाउस छोटा सा ही है, हमें जाना है बड़ा लाइट हाउस पे, सो चलो चलते हैं फिलहाल अभी। ये आप देख सकते हो बड़ा सा लाइट हाउस है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं आज। अभी बाइक यहाँ पे पार्क कर देते हैं और हमें जाना है यहाँ से, सो चलो। बहुत ही गर्मी है आज, और मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है। ओके, सो ये आप देख सकते हो पूरा लाइट हाउस यहाँ से कितना हाइट पे है, कितनी हाइट होगी इसकी पता नहीं, अभी इसकी कितनी हाइट होगी। हाँ चालू है ना? ओके, तो गाइस यहाँ पे एंट्री फी होगी शायद, पता नहीं अभी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं एंट्री गेट पे, ये आप देख सकते हो लाइट हाउस टावर, सो यहाँ से एंट्री है, चलो। गाइस अभी लिफ्ट में आ चुके हैं, सो ऊपर जा रहे हैं टावर पे। आपने सुट नहीं किया क्या? नहीं नहीं, करता हूँ बाद में। ओके, सो अभी हमने ये टिकट, मैं भी शूट व्लॉग बनाता हूँ, सो चलो। ओके, चलते हैं ऊपर और ऊपर से नज़ारा देखते हैं लाइट हाउस का। ओके, तो फाइनली आ चुके हैं, आ गए हैं और जा रहे हैं। ओ
तो गाइस यहां से बाहर जाना है। फाइनली ये तो गाइस फाइनली अभी हम और पे आ चुके ऊपर। देखो आप यहाँ से कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से जो व्यू है ना, नेक्स्ट लेवल है। ये आप देखो व्यू यहाँ से, ये पूरा लाइट हाउस है। तो गाइस अभी आप विजिट करो यहाँ की, नेक्स्ट लेवल है। ओके यहाँ से फोन जो गिर गया ना मेरा, यहाँ से ये आप देखो कितना डाउन है, ये देखो कितना डाउन है। ओके मुझे तो हाइट से डर लगता है। मेरी आवाज़ आ रही है? फोन आ रहा होगा तो नहीं आ रही होगी, लेकिन नेक्स्ट लेवल व्यू है यहाँ से। आप आओ विजिट करो, नेक्स्ट लेवल है। आप यहाँ से व्यू देखो, यहाँ भी नज़ारा देख के ही मतलब के हमारा तो एवे एवे हो गया। तो गाइज यहाँ से आप नज़ारा देखो कितना बढ़िया है ना। और सबसे पहले ये आप देखो कि पूरे बादल छाए हुए, बादल कितने बढ़िया ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये अपना समुंदर जो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, मैं आ जाता हूँ। कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसी बेइज्जती तो दोस्त ही कर सकता है भाई। लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है ना, नेक्स्ट लेवल है, ये आप देख सकते हो। चलो अभी चलते हैं नीचे, और यहाँ पे गार्डन भी है तो उसकी विजिट करते हैं। आ चुके हैं नीचे, और ये रहा टावर जो बड़ा सा, वहाँ पे हम गए थे। सो चलो फिलहाल अभी यहाँ पे गार्डन भी बनाया है, सो वो देखते हैं गार्डन कैसा है। छोटा सा ही है ये आप देखो। सर तो बैठ भी गए झूले पे। गाइस अभी सर बताने वाले हैं कि लाइट हाउस का यूज क्यों होता है। ओके तो हाँ बोलिए। तो यहाँ पे मतलब के जहाँ भी लाइट हाउस होता है तो वहाँ पे क्या है ना कि मछुआरे अगर समुंदर के अंदर जाते हैं मछली पकड़ने या फिर और काम के लिए, हाँ। तो रात हो जाती है तो यहाँ पे किस दिशा में हमें जाना है इसलिए रास्ता नहीं मिलता, हाँ। लाइट हाउस से पता चल सकता है, हाँ, कि लाइट हाउस से पता चलता है किस दिशा में जाना है, हाँ। तो इसलिए लाइट हाउस यहाँ पे मतलब के बनाया जाता है और रखा जाता है। तो हमें ऐसी मतलब के नई नई जानकारी भी, कोई भी प्लेस पे जाते हो तो नई नई जानकारी भी मिलती है और व्लॉग भी बन जाता है। तो ऐसा है लाइट हाउस का यूज। काफी सारे लोग घूमने के लिए तो आते हैं, लेकिन क्या यूज होता है वो किसी को नहीं पता होता है, okay? तो इसलिए आपको भी नया एक जानकारी मिलेगी हमारे ब्लॉग में। तो आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपको वीडियो नए नए लाते दिखाते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक गार्डन भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चेतन सर ने क्या स्पीच दी है, अच्छा है आप कोई नहीं बजाता, मैं बजा अपने लिए खुद ही। हमें अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए ऐसे कि भाई चेतन या मीन्स तू जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, किसी की बातों पे मत ध्यान दो। चलते यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बनाया है, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये छोटा सा बेंच भी है, ये झूला भी है, एक दो तीन तीन आई थिंक झूला है, और यहाँ पे ये गार्डन बनाया है। सो 4 बजे से 5:30 बजे तक टाइमिंग है। ओके सो ये आप देख सकते हो अभी गार्डन भी बनाया है, छोटे बच्चों के लिए ये गार्डन बनाया है। सो यहाँ पे पेड़ भी दो लगाए हैं, आई थिंक 3-4 है। मेरे को यहाँ पे एक रील्स बनानी है। ओके ओके पक्का बहुत ही बढ़िया आएगी मेरे को, हाँ। ऐसा लगता है मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना इससे, okay. मेरे को ऐसा लगता है, ओके बाद में मालूम नहीं, okay, okay. और यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, हाँ। सही ना? सही। तो गाइस ये देखो चेतन सर कैसे शूट कर रहा है, और इस बंदे को अभी पड़ी नहीं है, मेरी ऑफिस भी अभी ओपन ही नहीं है, कब जाना है, कब निकलना है यहाँ से। तो गाइस अभी ये लाइट हाउस एक्सप्लोर हो चुका है, सो फिलहाल अभी लेकिन सर को भी लेट हो रहा है, मेरी एक रील्स नहीं बनाई इसने, बनाई ये शूट की है अब वहाँ पे गेट वाला मेरा, तो वो आप अभी शूट कर लो। चलो देखो ये मींस का फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, ये वाला, हाँ। ये मेरा फ्रेंड है, हाय। अभी खाता नहीं लगता है इसको, मलेरिया हो गया है, नहीं नहीं टाइफाइड हो गया। लाइट हाउस एक्सप्लोर हो चुका है, सो फिलहाल अभी निकलते हैं क्योंकि सर को भी लेट हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं। सो चलो चलते हैं। हेलो
अभी यहाँ से सीधा कौन सी घर जाना है? बाइक खींचो, बाइक खींचो। मेरे से मेरे चंपल भी निकल गए। ये सर लगता है किस एंगल से? अभी सर लगता है वो बोलो। अभी मैं अभी मेरे को बोलते है तो मैं क्या करूं। तो गाइस अभी चलो चलते हैं, अपना रास्ता कवर करते हैं। तो गाइस अभी हम ये खाने के लिए आए हैं, बहुत ही भूख लगी है। तो ये क्या है? रताड़ू। रताड़ू आई थिंक कानपुरी इसको ही रताड़ू बोलते हैं शायद, पता नहीं अभी फिलहाल। ओके परफेक्ट, लेकिन रताड़ू ही बोलते हैं। ओके सो अभी ये बन रहा है। बंदे ने इसकी वजह से मेरे अभी वलसाड़ में 6 बजे आ रहे हैं, 6 कंप्लीट 6 बजने वाले। तो गाइस अभी चलो, ये है कानपुरी रताड़ू। हाँ रताड़ू मतलब कानपुरी, ये तो कानपुरी है। तो खाते हैं। तो गाइस अभी खा के निकल चुके हैं कानपुरी रताड़ू। ओके और ये सर ने आज जो जल्दी करवाई है मुझे कानपुरी खाने के लिए, लेकिन ये बंदा मेरे को 5 बज के 4 बजे निकल आएंगे, 5 बजे निकल आएंगे ऐसा हर टाइम बोलता है, और मेरे 5-6 बजा ही रहता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को ऑफिस में जाके भी फिर घर जाने के बाद दूसरी जगह जाना है, थोड़ा काम है इसलिए। तो इसलिए थोड़ा जल्दी करवाता हूँ मैं। वैसे घर ही जाना होता तो मैं इतना जल्दी नहीं करवाता। ओके चलो कोई बात नहीं, अभी रास्ता कवर करते हैं फटाफट। मैं बाइक मत उड़ाना, बाइक उड़ाऊंगे तो हम उड़ जाएंगे, बाइक नहीं उड़ाना। तो फाइनली गाइज अभी घर पे आ चुके हैं, ऑफिस पे आ चुका हूँ, बहुत ही थक चुका हूँ आज, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। दोपहर में गए थे इसकी वजह से या पता नहीं कुछ भी, सर में पेन बहुत ही हो रहा है। ओके चेतन सर को ड्रॉप करके सीधा घर पे आ गया, क्योंकि व्लॉग शूट करने का ही मन नहीं हो रहा है आज तो अभी। ओके वो और वैसे भी बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा ओके आज का, तो आज तो मैं रेस्ट ही करूँगा, आगे डिनर करके सो ही जाऊँगा। अभी आई थिंक 6:30 बज चुके हैं, मतलब कहीं पर बाहर नहीं जाना है। ओके तो गाइज आज थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं आज के दिन। ओके तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। ओके बहुत ही थक चुका हूँ आज। ओके हेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही है, तो सो ही जाऊँगा। तो गाइज आज इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट एंड शेयर, कीप सपोर्टिंग।